हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग एचआरएम का जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पिछले क्लासेस में हम लोगों ने रिक्रूटमेंट, उसके बाद फिर सिलेक्शन, जिसमें सिलेक्शन का प्रोसेस, सारी चीजों का काफी एक्सप्लेनेशन वे में विस्तार से चर्चा कर रखा था। आज हम लोग सिलेक्शन के बाद जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कौन सा होता है? ट्रेनिंग होता है। आज हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं और ये टॉपिक हमारे सिलेबस में भी साफ साफ मेंशन है, तो इसके बारे में भी पढ़ना है। चलिए आते हैं अपने नोट्स पे। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं नेट वाला भैया पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस एज वेल एज मटेरियल आपको प्रोवाइड करा जाता है। तो अगर आपको करना है एनटीए नेट की तैयारी तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये जब हेल्पफुल है तो इसमें आपको करना क्या है कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल @netwalabhaiya के नाम से है, उसे भी आपको ज्वाइन कर लेना है। अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक में अगर आपने अभी तक हमको फॉलो नहीं किया है, नेट वाला भैया को आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप अभी जाके फॉलो कर ले। और फिर भी अगर कोई फर्दर क्वेरी रहती है तो आप हमें जो नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है इस नंबर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 8 एचआरएम का, जिसमें हम लोग बात करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जैसा कि हम लोग पहले से क्लास करते आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग किसी भी टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। सर, ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है? देखो बच्चे, ट्रेनिंग थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या होता है। ट्रेनिंग व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग, क्या होता है ट्रेनिंग आपका? तो ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी भी बंदे को आप पढ़ करके आए, ठीक है, पढ़ लिख करके आप इंजीनियर बन गए। तो इंजीनियर बन गए तो क्या डायरेक्टली आपको प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाएगा? आप बहुत सारे मिस्टेक्स करोगे, हो सकता है कुछ ऐसा मिस्टेक्स करो जिससे पूरे कंपनी को बर्डन उठाना पड़े, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन मिस्टेक्स से बचने के लिए, ओवरलैपिंग से बचने के लिए, वेस्टेज को बचाने के लिए, वेस्टेज ना हो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है सर, ये तो काफी बार हम लोगों ने सुन रखा है। इसमें नया क्या है? नया कुछ नहीं है, नया बस ये है कि ट्रेनिंग जो है वो आपका थोड़ा नैरो टर्म है। क्यों सर? क्योंकि ट्रेनिंग जो आपको दिया जाता है वो टाइम टू टाइम दिया जाता है ताकि आप अपने जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सको। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो आपको लंबे समय तक मदद करता है। जब वो लंबे समय तक मदद करता है और कोई भी चीज आप जैसे कोई काम कंटिन्यूअस कर रहे हो, जैसे कि हम लोगों ने एक बहुत बेहतरीन डायलॉग सुन रखा है कि जो हमारे टीचर्स होते थे क्लास 9-10 में, बुजुर्ग टीचर, वो क्या करते थे, सर एक क्वेश्चन है हमको समझ में नहीं आ रहा, अच्छा ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर फलाना का ये क्वेश्चन है क्या, अरे इसका तो आंसर ऐसे, हाँ ये ऐसे ऐसे होगा, वैसे वैसे होगा, खत्म। व्हाई? दिस इज डेवलपमेंट। इसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सर फिर ट्रेनिंग किसको बोलते हैं? हम न्यू प्रोफेसर की जगह पे हम लोगों को मतलब एज ए न्यू असिस्टेंट प्रोफेसर बोल रहे सॉरी एज ए न्यू असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं हमको रिक्रूट किया गया, चले गए हम, तो डायरेक्टली क्या किया गया कि बच्चों के 1000 बच्चों के पास या 500 बच्चों के पास डायरेक्टली भेज देगा, जाओ जाके पढ़ाओ? नो, ही विल गिव यू स्मॉल ग्रुप, जिसको पीयर ट्यूटरिंग बोलते हैं। क्योंकि जब आप स्मॉल ग्रुप के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो, उनके ग्रीवेंसेस को सॉल्व कर पा रहे हो, बच्चों को समझा पा रहे हो, तो फिर धीरे धीरे आपका जो क्वांटिटी है वो बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका क्वालिटी इनहेंस होते जाएगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग फॉर शॉर्ट टर्म, वेयर एज डेवलपमेंट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो वेयर एज ट्रेनिंग इज अ नैरो टर्म एंड डेवलपमेंट इज अ वाइडर टर्म। ट्रेनिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ट्रेनिंग दो तरह का होता है। एक होता है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब आपको सुनने से ही पता चल रहा होगा कि जॉब करते करते ट्रेनिंग मिल जाना, ये कैसा बात हुआ,
चलो बता रहा हूं, और एक होता है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। चलो चीजों को आप समझना अच्छे से, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब जहां पे आपका काम, जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सारे प्रोडक्शंस होते हैं, अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो आपको उसी जगह पे किसी सीनियर के अंडर रख करके आपसे काम करवाया जाएगा, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। वही अगर बात करें ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, तो एक क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। कैसे? जैसे कि एक वर्क प्लेस बना दिया गया, जैसे कि अब डायरेक्टली आप एरोप्लेन उड़ाना सीख जाओगे तो एरोप्लेन का अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि एरोप्लेन का अगर आपको पायलट बनना है तो क्या डायरेक्टली आपको एरोप्लेन में बैठा दिया गया, बोल दिया जाइए उड़ाइए? नो, फिर तो आप 10 लोगों को, मतलब 10-20 जितने भी लोग बैठे सबको तो उड़ा डालोगे, एक ही बार में सीधे ऊपर ले जाओगे, नहीं। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जैसे कि आप जब पायलट के लिए आपको जो ट्रेनिंग दिया जाता है तो आपको एक सिमुलेशन क्रिएट किया जाता है, सेम आर्टिफिशियल कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है जहां पे आपको फीलिंग सेम आने वाली है, मतलब कि आप पहले वहां पे अपने, मतलब आपको प्रॉपर बताया जाएगा कैसे करना है, आप वहां पे सब कुछ करके सीखोगे, फिर आपको मतलब एक प्लान्ड एनवायरमेंट होता है आप बोल सकते हो, फिर आपको छोटे जगह से स्टार्ट करके फिर धीरे 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 आपको ट्रेन करके अच्छे, मतलब कि एक प्लेन उड़ाने के लिए मिलता है, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो सर क्या बस इतना ही पढ़ना है, ये तो याद हो गया? नहीं, अब आते हैं थ्योरी पे। ये तो था आपके समझ के लिए जो आज तक आप लोगों ने पढ़ रखा है, अब इसमें चेंजेस क्या करना है वो चीज को हम लोग देखते हैं कैसे चेंजेस करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग आगे चेंज, आते हैं पीडीएफ पे। चलिए यहां पे आपको सबसे पहले दिख रहा होगा ट्रेनिंग। बच्चों अब आपसे कोई पूछे ट्रेनिंग तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग स्किल्स, गेनिंग नॉलेज, क्लैरिफाइंग कॉन्सेप्ट्स एंड चेंजिंग एटीट्यूड थ्रू द स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान एजुकेशन बाई विच प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज कैन बी इनहेंस्ड और इम्प्रूव्ड, जहां पे उसको और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्फसाइज ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज द ग्रुप थ्रू द प्रॉपर सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उसके स्किल इन्हांसमेंट के लिए काम किया जाता है। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लो, स्किल्ड लेबर का नाम सुनो और एक अनस्किल्ड लेबर होते हैं। स्किल्ड लेबर मतलब जो प्रॉपर ट्रेनिंग ले करके उस काम को करते हैं, और एक अनस्किल्ड लेबरर होते हैं जो कि कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, बस वो करते करते सीख गए हैं काम को, उनको अनस्किल्ड कहा जाता है। अब अगर कोई स्किल्ड है तो आप उसको वही काम दोगे, लेकिन अगर कोई अनस्किल्ड है तो उसको कहीं पे भी डाल दो, क्योंकि उसको तो कुछ तो आता है नहीं, इज नॉट अ ट्रेंड बंदा, दैट्स वाई। चलिए देखो ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस वेयर बाई पीपल लर्न द स्किल्स, एटीट्यूड, नॉलेज, बिहेवियर नीडेड टू परफॉर्म देयर जॉब इफेक्टिवली। इट इज कंसर्न विद द पर्टिकुलर एंड करेंट जॉब नॉर्मली। देखो डेवलपमेंट जो होता है, ट्रेनिंग जब आप पढ़े यहाँ पे नैरो टर्म होता है, तो वही अगर आप बात करोगे डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट काफी आपका यहाँ पे ब्रॉड टर्म दिख रहा होगा, वाइडर टर्म दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? वाइडर टर्म दिख रहा है। इट एम्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो जो बातें हम लोग कर रखे थे वही चीज यहाँ पे है। अब देखो ट्रेनिंग से क्या क्या होता है। इट्स मेन एम इज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द करेंट जॉब एंड प्रिपेयर देम फॉर एनी फ्यूचर जॉब। करेंट जॉब के लिए क्या किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है, सॉरी इम्प्रूव किया जाता है और प्रिपेयर किया जाता है फ्यूचर जॉब के लिए, दैट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एनहेंस द प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसेस द एक्सीडेंट। ऑब्वियस है कि अगर आपको कोई काम के लिए ट्रेन किया जा रहा है तो वहां पे वेस्टेज कम होगा, मतलब प्रोडक्शन अच्छे से होगा, तो रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा, दैट मींस द एंटरप्राइज विल बी इन प्रॉफिट, ठीक है। आप अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हो, आपका मोरल भी कभी डाउन नहीं होगा, हमेशा बढ़ता जाए क्योंकि आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, ठीक है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं एक आध, बाकी आप पढ़ेंगे खुद से। ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल टू परफॉर्म देयर जॉब बेटर, वट एवर यू आर डूइंग फॉर दैट, फॉर इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस और इनहेंसिंग योर परफॉर्मेंस, फॉर डूइंग द जॉब बेटर देन अर्लियर, यू हैव टू डू
ट्रेनिंग, दैट्स वाई कंपनी फोकसेस ऑन द ट्रेनिंग, इसलिए कंपनी फोकस करती है किस पे, ट्रेनिंग पे। चलिए बाकी आप डिफिनेशन को एक बार रीड जरूर करेंगे, क्योंकि डिफिनेशन हमें भी मतलब डिफिनेशन हमें क्या लाती है, क्लैरिटी लाती है, और जब किसी चीज का क्लैरिटी होता है तो फिर आप उसको इजिली अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज एनटीए गिव्स अस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग ट्रेनिंग के प्रोसेस पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मार्क कर लोगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करोगे इसको। ठीक है, ट्रेनिंग के प्रोसेस में सबसे पहला है आपका नीड असेसमेंट। क्यों जरूरत है, ठीक है, क्यों जरूरत है, व्हाई यू रिक्वायर ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग क्यों जरूरत है, ठीक है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ट्रेनिंग इसलिए जरूरत है ताकि मेरा वेस्टेज कम हो, डिजाइनिंग, तो ट्रेनिंग कैसे दोगे उसको कि आपका वेस्टेज कम हो और वो ट्रेंड भी हो जाए। नेक्स्ट, एक जगह है एनवायरमेंट क्रिएट किए है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, उसको सिखाएंगे, या फिर किसी एक्सपीरियंस बंदे के अंदर उसको साथ में डाल देंगे ताकि वो उसके अकॉर्डिंग, वो अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करेगा, मतलब जो सुपीरियर होगा, जो सबऑर्डिनेट नया जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, और काम करके वो जो जो इंस्ट्रक्शंस को बोलेगा वो उसको फॉलो करेगा और वो उसको कंप्लीट करने का कोशिश करेगा। लास्ट में आप इवेल्युएट करोगे क्या ट्रेनिंग का कोई बेनिफिट्स हुआ या नहीं हुआ। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स, की ट्रेनिंग का जरूरत क्यों पड़ा, तो ट्रेनिंग नीड्स द डिफरेंट बिटवीन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस माइनस एक्चुअल परफॉर्मेंस। आपने सोच रखा था कि 10 होना चाहिए यूनिट्स का प्रोडक्शन, 10 यूनिट्स प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन एक्चुअली में हो रहा है 8 यूनिट्स, तो भाई लैग कहां हो रहा है, किस सिचुएशन में 2 यूनिट मेरा रह जा रहा है। तो आप तो ये 2 यूनिट सोच रहे होगे, लेकिन सोचो ये 200 यूनिट होगा, 2000 यूनिट होगा, तब क्या करोगे। तो ऐसे सिचुएशन से लड़ने के लिए हम लोग ट्रेनिंग का नीड्स कहां जरूरत पड़ रहा है, स्टैंडर्ड्स के साथ एक्चुअल को मैच करने के बाद फिर हम लोग ये सिचुएशन में आते हैं। Hence it try to bridge the gap between the standard performance and actual performance, और बीच में जो गैप है उसके बीच में ब्रिज बनने का काम करता है ताकि उस गैप को फुलफिल किया जा सके और वेस्टेज को कम किया जा सके। इसी के लिए हम लोग को ट्रेनिंग का नीड्स आइडेंटिफाई करना जरूरत है। नेक्स्ट, establish a specific objective, specific objective किसी पर्टिकुलर चीज में लैग रह जा रहा है, कमी रह जा रहा है, जिसके कारण ये हो रहा है, ऐसा है क्या। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रेनिंग नीड्स द मोस्ट क्रूशियल टास्क इज टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग, क्यों करना है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, तो हेंस द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ट्रेनिंग शुड फोकस ऑन द ब्रिज द गैप बिटवीन द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये तो प्राइमरी है। दिस कैन बी डन थ्रू, तो ये करेंगे कैसे, तो इसके लिए हम लोगों को अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग तय करना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मेथड, अब यहाँ पे आप मेथड चूज करोगे कि कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा सही है। तो ट्रेनिंग मेथड्स आर डिजायर्ड मींस ऑफ अटेनिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव आफ्टर डिटरमिनेशन ऑफ द ट्रेनिंग नीड्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, मतलब कि नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स को जानने के बाद जो आपको जानना है वो है ट्रेनिंग मेथड, जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग अपना स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कौन सा सुटेबल मेथड इसमें लगेगा। तो जो भी सुटेबल मेथड लगेगा उसको लगा करके हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। लास्ट, अब प्रोग्राम जो भी हम लोग को ट्रेनिंग देना है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे, वही आफ्टर सिलेक्शन एंड एप्रोप्रिएट मेथड द एक्चुअल फंक्शनिंग टेक्स प्लेस अंडर दिस स्टेप, द प्रिपेयर्ड प्लान एंड प्रोग्राम्स आर इंप्लीमेंटेड टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट, अंडर इट एम्प्लॉयज आर ट्रेंड टू डेवलप फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। मतलब कि आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जब भी आप कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट करोगे तो इंप्लीमेंट करने के पहले काफी प्लानिंग करोगे, मतलब जो तीन प्रोसेस आप पहले पढ़े, क्या क्या पढ़े, पहला तो आप अपना ट्रेनिंग का नीड्स क्यों था वो आइडेंटिफाई किए, फिर कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डाले, ठीक है, उसके बाद फिर मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब आपको अचीव क्या करना है, नीड्स तो आप बता दिए कैसा प्रॉब्लम हो रहा था, आप चाहते क्या हो, ठीक है, उसके बाद कौन सा मेथड सुटेबल है, उसके बाद फिर इस प्रोग्राम को आप इंप्लीमेंट करोगे, इंप्लीमेंट करने के बाद फिर आप उसका कैलकुलेशन करोगे। इवेल्युएशन मींस क्या, कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन करेंगे सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ना 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 ना, देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग इन ऑर्डर टू नो
whether the training program was effective, क्या जो हमने training दिया क्या वो effective था, क्या वो अगर standard के साथ actual performance, अब यहाँ पे मान के चलो actual performance is equal to standard performance अगर हो जाता है तो क्या यहाँ पे ये program successful रहा? बिल्कुल सर, हम तो standard के साथ ही actual program को क्या करना चाहते थे, इक्वल करना चाहते थे, तो जहां पे ये इक्वल हो गया दैट मींस हमारा प्रोग्राम इज सक्सेसफुली अचीव्ड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इवोल्यूशन प्रोग्राम, इसलिए रखते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस जो एक्चुअली हमको चाहिए था वो मिला या नहीं मिला, इफेक्टिव रहा या नहीं रहा। नेक्स्ट फीडबैक, अब फीडबैक कब दोगे, अच्छा रहा बुरा रहा कैसा रहा देखते हैं। The obtained information then evaluated and analyzed in order to mark weak areas of the training programs and for the future improvement. अगर कोई weak area रहा जो आप नहीं कर पाए तो future में फिर वो गड़बड़ ना हो उसके लिए feedback लिया जाता है कि कहाँ पे परेशानी हो रहा है, ताकि आप future में फिर से जब कराओ तो आपको ये परेशानी दोबारा ना झेलना पड़े। ठीक है, चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। देखिए बच्चों, काफी एफर्ट्स के साथ इसको पढ़ाना पड़ता है, तो आपसे बस इतना ही उम्मीद करते हैं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियोस और एफर्ट्स अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, क्या महत्व है, क्यों ट्रेनिंग है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बट एक बार रीड आउट करते हैं, खत्म हो जाएगा। ट्रेनिंग इनेबल्स द एम्प्लॉय टू गेट acquainted with the job and increase the aptitude, skills, knowledge. It helps the newly recruited to be productive in a minimum amount of time. मतलब कि कम समय में आप क्या हो जाओ, productive हो जाओ, मतलब कि आपसे जो हमको चाहिए वो हमको बिना wastage का मिल जाए। ठीक है, that is importance of training. So training is advantageous not only to the organization but also for the employee. क्योंकि time to time अगर उसका training अगर हो रहा है, That means क्या हो रहा है, That means ये हो रहा है कि वो बंदा का एक टाइम के बाद हर चीज को, जैसे कि हर चीज के लिए अपडेट होने के लिए उसको ट्रेंड किया जा रहा है, तो वो कभी इसमें स्पेशलाइज हो रहा है, कभी उसमें स्पेशलाइज हो रहा है, तो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट भी होते जा रहा है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो। दैट्स वाई दैट इज ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट एडवांटेजेस, इसका बेनिफिट क्या क्या है। फॉलो अप सेलेक्शन प्रोसीजर्स, देखो ट्रेनिंग इज अ फॉलो अप ऑफ सेलेक्शन प्रोसीजर, इट हेल्प्स इन चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल और डिफरेंट जॉब, मतलब कि जैसे जिसकी काबिलियत वैसा उसका काम, उसके अकॉर्डिंग उसको चूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटर परफॉर्मेंस उम्मीद करते हैं, बेटर परफॉर्मेंस देगा, ट्रेनिंग इसलिए देते हैं ताकि ट्रेनिंग के बाद वो बेटर परफॉर्मेंस दे सके, और परफॉर्मेंस अच्छा देगा तो ऑब्वियस है कि वेस्टेज कम होगा। हमारा फेवरेट लाइन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा, मतलब कि रिसोर्सेस का पूर्ण इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो वेस्टेज नहीं होगा, दैट मींस प्रोडक्शन काफी अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो कॉस्ट कम लगेगा क्योंकि वेस्टेज तो हो नहीं रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसका प्रोडक्शन कर ले रहे हैं, तो जब कॉस्ट कम लगेगा तो कम प्राइस में बेच पाएंगे, जब कम प्राइस में बेच पाएंगे दैट मींस बाकी सारे कंपनीज को किक आउट कर देंगे। नेक्स्ट, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑलरेडी कवर्ड, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है। ट्रेनिंग देने से यहाँ पे वो क्या होते हैं, ऑलरेडी उन सारे काम को वो करके आते हैं एक वर्क एनवायरमेंट में, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब वेस्टेज कम होता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता है। उसके बाद रिड्यूस सुपरविजन, अब जैसे कि ट्रेनिंग के टाइम पे ऑलरेडी उन पे बहुत सुपरविजन रखा जाता है, बहुत सुपरवाइज किया जाता है, बार बार नजर रखा जाता है उन पे, एक एक गलती को, एक एक कहां मिस्टेक करे वो सारी चीजों को देखता है, तो अ वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉय इज सेल्फ रिलायंट इन हिज वर्क एज ही कम्स टू व्हाट इज टू बी एंड हाउ, अंडर सच सिचुएशन क्लोज सुपरविजन इज नॉट मच रिक्वायर्ड, इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा टाइम पे सुपरविजन करना जरूरी है, लेकिन इतना भी ज्यादा क्लोज सुपरविजन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नए एम्प्लॉयज तो जरूर है लेकिन उनको ट्रेनिंग इस तरीके से दिया जाता है कि वो उस काम को इजीली परफॉर्म कर सकते। प्रोडक्शन अच्छा होगा तो उनको लगेगा कि मेरे को ये काम आता है, मेरे लिए ये काम बना है, तो उनका मोरल भी बढ़ेगा, जब उनका मोरल बढ़ेगा तो उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, और जब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा तो वो उस काम को और भी अच्छे तरीके से करेंगे। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम मोल्ड्स इट एम्प्लॉयज एटीट्यूड टू अचीव द सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एंड ऑब्टेन बेटर कोऑपरेशन एंड द ग्रेटर लॉयल्टी विद द हेल्प ऑफ टाइनी डिससेटिस्फेक्शन कंप्लेंट्स एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड अमंग द एग्जीक्यूटिव।
अगर वो काम को अच्छे से कर रहा है तो भाई वो बहुत ज्यादा समय तक छुट्टी नहीं लेगा, या फिर उसको ये लगने लगे नहीं ये काम तो मेरे लिए है नहीं, तो फिर तो वो एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह पे जाएगा। तो यहाँ पे टर्नओवर ऑफ द एम्प्लॉयज भी देखने को मिल सकता है अगर वो प्रॉपर ट्रेंड ना हो और वो काम करे और उसको डिससेटिस्फेक्शन मिले तब। तो इसलिए मोरल बढ़ाना बहुत जरूरी है। लास्ट जो है आपका बेनिफिट्स में ऑपरेशनल स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक बात बताओ, क्या इतने ही जितने हम लोगों ने लिखवा रखा है उतने ही बेनिफिट्स हो सकता है? और भी हो सकते हैं, बट दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जो कि ऑलरेडी एनटीए के पीवाईक्यूज पहले जो रहते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग फ्रेम करते हैं, उससे कुछ एक्स्ट्रा लेकर के आते हैं, लेकिन बेसिकली जो नोट्स बनाया जाता है वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही फ्रेम किया जाता है ताकि आपको वहां बेनिफिट मिल सके। ट्रेनिंग इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएशन ऑफ द रिजर्व ऑफ ऑब्टेन्ड रिप्लेसमेंट इंक्रीज द स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू सस्टेन इट्स इफेक्टिवनेस डिस्पाइट ऑफ द लॉस ऑफ द की पर्सनल। देखो ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई बंदा ट्रेंड होता है तो हम लोग जरूरत के अकॉर्डिंग उसको अपॉइंट कर देते हैं, मतलब वो जैसा काम कर सकता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे उसका मोरल हाई होता है तो वो काफी स्टेबल होकर काम करता है, और जब वो स्टेबल होकर काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टेबिलिटी बना रहता है। अब आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक जो कि है आपका लिमिटेशन या बोल सकते हो डिमेरिट्स ऑफ द क्या ट्रेनिंग। तो हर चीज का भाई मेरिट्स भी है डिमेरिट्स भी है। डिमेरिट्स समझो थोड़ा सा, ट्रेनिंग इज अ कॉस्टली अफेयर्स एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसी के लिए जब आप कोई गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी में जब आप जॉब लेने जाते हो तो उसका एक टेन्योर होता है कि 1.5 साल या 3 साल तक आप इस जॉब को नहीं छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि 6 महीना तो आपको ट्रेनिंग दिया, आपके पीछे वो इतना पैसा खर्च करा, जब आपके पीछे वो इतना पैसा खर्च करा और आप उसका काम ही नहीं किए, ठीक ट्रेनिंग के बाद आप छोड़ दिए तो उसको कोई बेनिफिट हुआ नहीं। इसी के लिए कंपनीज आपसे क्या चार्ज करने लगती है, पेनाल्टीज चार्ज करने लगती है, और वो पेनाल्टीज जो होता है उसमें ट्रेनिंग का कॉस्ट को वो क्या कर लेती है, वापस ले लेती है। इसी के लिए कंपनी बोलती है कि आपको 3 साल तक कंपनी से बाहर आप नहीं जा सकते हैं, और ट्रेनिंग काफी कॉस्टली और एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग में रिजल्ट इन द डिसलोकेशन ऑफ द वर्क एंड लॉस ऑफ आउटपुट बिकॉज रेगुलर ऑफिस वर्क इज लाइकली टू इंटरप्टेड और डिले बिकॉज ऑफ द ट्रेनीज स्पेंड इन ट्रेनिंग। अगर ट्रेनीज को आप साथ में सिखा भी रहे हो तो थोड़ा सा तो टाइम आपका उसमें जाएगा ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन गुड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर एंड लीडर्स। अगर ट्रेनिंग का ट्रेनर का ट्रेनर अच्छा ना हो तो जो ट्रेनी होगा वो भी अच्छा नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर हम पढ़ा रहे हैं हम ही अच्छा नहीं पढ़ा रहे मेरे स्टूडेंट्स अच्छे कहाँ से हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो मेरे पे डिपेंडेंट है और हमको ही कुछ नहीं आ रहा है दैट मीन्स नॉट पॉसिबल। लास्ट सेल्फ रिलायंस एंड कैपेसिटी ऑफ द न्यू आइडियाज माइट बी स्टिल, क्योंकि ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होता है कि ये पॉइंट को एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसमें एम्बिगिटी है, वेग लग रहा है, मैं उस टाइम बनाते हुए भी लग रहा था, बट छोड़ो इस पॉइंट को छोड़ दो, ठीक है इस पॉइंट को छोड़ दो, बाकी आप जैसे पढ़ाया गया है आप उसको कर सकते हो। नोट्स को जरूर रीड करो और एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ हर क्लास को। बच्चे जो शॉर्ट नोट्स नहीं बताते हैं डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ एग्जाम निकालना काफी मुश्किल होगा। अगर आप ये सोच रहे कि पीडीएफ पढ़ लेंगे सब कोई पढ़ता है, बट आपका अपना बनाया हुआ नोट्स आपके दिमाग में छप जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं एंड। तो एंड इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो क्लास है वो हो चुका है खत्म, क्योंकि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को पूरी अच्छी तरीके से पूरे शिद्दत के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। तो सर पूरे शिद्दत के साथ कंप्लीट किया क्या, इसमें कुछ बच गया क्या? तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपका कुछ भी बचा हुआ है, मतलब कि कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो छूट गया है। तो जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने रिक्रूटमेंट देखा, फिर सिलेक्शन देखा, अब ट्रेनिंग देखे, अब जो अगले वीक में जो आपको मंडे को क्लास आएगा इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो करते हैं हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड, क्योंकि हम लोगों ने काफी अच्छे से इसको कर रखा समझा। तो मिलते हैं हम लोग आपसे अगले सेशन में धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए हमारा हर एक वीडियोस। पसंद आएगा तो लाइक करते रहिए, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।